सो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गाइस मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आपका जो फोन पे में कोई वॉलेट है, मतलब वॉलेट में कोई भी आप बैलेंस ऐड किया है, तो उस बैलेंस को आप मतलब बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इस वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा। अगर आपने फोन पे में कोई वॉलेट रखा है उस वॉलेट से आप रिचार्ज भी कर सकते हो, और आप चाहते हो कि मैं रिचार्ज कुछ भी नहीं करूंगी, मैं उस पैसा को डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र कि फ़ोन पे वॉलेट में बैलेंस है, आप उस बैलेंस को आप मतलब कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इजीली कर पाओगे इस ट्रिक्स के माध्यम से। ये रियल ट्रिक्स है, मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ, ये सिक्योर भी है, मतलब रियल है। मैं आप लोग को दिखा दूंगा मोबाइल स्क्रीन पर, तभी आप लोग को मतलब लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। चलिए डायरेक्टली आप लोग को दिखाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस देख सकते हो मैं डायरेक्टली मोबाइल स्क्रीन पे आ गया। सो मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बता दूँ। सबसे पहले आपका जो फोन पे का ऐप्स है वो उस ऐप फोन पे को ओपन कर लेना पड़ेगा। फोन पे को ओपन कर लेने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा वॉलेट पे अभी कितना पैसा है, आप लोग को दिखा देता हूँ। सो गाइस मैं वॉलेट पे क्लिक करके चेक करके आप लोग को दिखा दूँ। मेरे पास देख सकते हो 36 मतलब पैसा है, 36 रुपया है मेरा वॉलेट में। तो इसको मुझे बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करूँगी। सो इस पैसे से मैं रिचार्ज भी कर सकता हूँ, तो मैं रिचार्ज नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आप लोग को दिखाऊंगी। अब भी अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इजीली ट्रांसफ़र कर पाओगे। सो ट्रांसफ़र करने के लिए इधर आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो गोल्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो गोल्ड बाय करना पड़ेगा आप लोग को। जैसे कि सोना मतलब खरीदते हैं तो अभी लाइव प्रूफ देख सकते हैं कितना पैसा मतलब चल रहे है, कितने ग्राम का कितना पैसा चल रहा है। तो आपको गोल्ड पर क्लिक करना है। गोल्ड पर क्लिक करने के बाद आपको इधर से कोई भी मतलब गोल्ड बाय कर लेना है। जितना रुपया आपका वॉलेट में है आप चाहे तो उतना रुपये से मतलब गोल्ड को बाई कर सकते हो। सो इसमें 36 मेरा वॉलेट में है, तो मैं 36 रुपये का वॉलेट का ही मतलब पूरा पैसा है कि मैं गोल्ड बाई कर लूँगा। पहले आप लोग को गोल्ड बाई कर लेना पड़ेगा। गोल्ड बाई का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप गोल्ड को बाई कर लेंगे, बाई कर लेने के बाद सेल करेंगे तो आपका जितना भी पैसा है उतना पैसा ही आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप लोग को देख सकते हैं मैं इधर से बाई कर लेता हूँ, पहले गोल्ड बाय कर लेता हूँ। गोल्ड बाय कर लेने के बाद आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। सुबह देख सकते हैं मेरा गोल्ड बाय फाइनली हो चुका है। सुबह देख सकते हैं मेरा 36 रुपये का गोल्ड बाय हो गया है। सुबह देख सकते हैं पहले मेरा 2 रुपये का गोल्ड लिया हुआ था, तो इधर आप देख सकते हैं मतलब 38 हो गया। तो आप इजीली मतलब गोल्ड बाय कर लेंगे। पहले सबसे पहले आप लोग को गोल्ड बाय कर लेना है। गोल्ड बाय कर लेने के बाद आप साथ साथ मतलब कि साथ साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको मतलब 24 आवर आपको वेट करना पड़ता है। इसीलिए आपको कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, वॉलेट में जितना भी पैसा है बर्बाद हो जाएगा, ऐसा आपका गलत सोच है। इधर आपको बहुत सिक्योर है फ़ोन पे, तो ऐसे सिक्योर एप्लीकेशन है एक, तो आपको कोई भी मतलब आपका एक भी पैसा इधर उधर नहीं होगा। जितना आपका मतलब GST कटता है 2-3 रुपया सिर्फ चार्ज कटता है, मतलब आप जब गोल्ड बाय कर लेंगे मतलब गोल्ड का रेंज जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। तो आपका जितना गोल्ड बाई किया है तो आपको मतलब उतना ही पैसा रिटर्न मिल जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। सो ये देख सकते हैं मेरा गोल्ड बाई हो चुका है, तो मैं इधर से डायरेक्टली सेल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी सेल नहीं होगा क्योंकि मेरा 24 आवर नहीं हुआ है, तो आप लोग को 24 आवर के बाद आप लोग को दिखा देता हूँ मेरा गोल्ड सेल कैसे करना है। सो गाइस देख सकते हैं मेरा फाइनली 24 आवर हो गया। मैं कल ही वीडियो शूट किया था तो फाइनली मेरा 24 आवर हो गया। तो सबसे पहले आपको फिर से फ़ोन पे में आना है। फ़ोन पे आने के बाद आपको गोल्ड वाला ऑप्शन पे आ जाना है। गोल्ड वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद देख सकते हैं आप मेरा जो गोल्ड बाय किया हुआ है, सो गाइस देख सकते हैं आप इजीली। तो आपको मैं सीरियसली बोलती हूँ, आपको कोई भी घबराने का कोशिश नहीं, आपको घबराने का मतलब घबराना ही नहीं है। देख सकते हैं मैं इधर इजीली बाय कर सकता हूँ, मतलब मैं 36 जितना भी मेरा ऑयल मतलब गोल्ड लिया हुआ है, तो मैं उसको सेल करूँगा। जब भी मैं सेल पे अभी देख पहले सेल मतलब
ब्लू टिक नहीं आया था, अभी सेल का ऑप्शन आ गया तो मैं इजीली सेल कर सकता हूँ। सो गाइस इधर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा कि आप गोल्ड को सेल करना चाहते हो या नहीं। सो गाइस मैं इधर से गोल्ड को सेल करना चाहता हूँ तो कन्फर्म ऑप्शन पर जब क्लिक कर दूंगा मेरा गोल्ड सेल हो जाएगा। सो गाइस आप इधर देख सकते हो मेरा मतलब 72 घंटा के बाद ही मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नहीं है साथ साथ ही ट्रांसफ़र हो जाता है, एक गलत दिखाता है मतलब कि आपका मतलब एक भी पैसा उधर उधर नहीं जाएगा। देख सकते हैं मेरा नोटिफिकेशन बार में भी आ गया, मेरा जो 36 वॉलेट में पैसा था तो डायरेक्टली मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। आप सोचेंगे मेरा गला ख़राब हो गया, मैं मतलब एक अनुष्ठान में था इसलिए मेरा गला ख़राब हो गया, तो कुछ भी बोलने का मतलब बोलना मतलब आपको सब लोग को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सो गाइस देख सकते हो मेरा जो वॉलेट पे जितना भी पैसा था मैं डायरेक्टली उसको गोल्ड मैं बाय करके भी सेल कर भी की सेल कर दिया तो मेरा अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया। सो गाइस आप लोग को नोटिफिकेशन बार में दिखा देता हूँ, देख सकते हो मेरा 36 रुपये ऑलरेडी मेरा अकाउंट में आ गया। तो आपको कोई घबराने का कोशिश ही नहीं करना है, तो आप इजीली सिक्योर होके आपका वॉलेट में जितना भी पैसा है आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।